नाज़रीन की खिदमत में सलाम और आदाब, मैं हूँ सईद हाशिम रिज़वी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। लद्दाख पुलिस की जानिब से आज शहीद ज़ुल्फ़िकार T20 टूर्नामेंट का सब डिवीज़न सांगको के मिनी स्टेडियम में इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर सुरू और सांगको ब्लाकों के दो दो टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं, जो जीतने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैच खेला जाएगा। आज आप महकमे यूथ सर्विस एंड सपोर्ट की तरफ से यहाँ पे पुलिस की इस टूर्नामेंट में तैनात है, तो आप यहाँ पे क्या कमी देख रहे हैं इस प्लेग्राउंड में? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले इस टूर्नामेंट के बारे में आपको बताते चलूँ, ये टूर्नामेंट शहीद ज़ुल्फ़िकार अली T20 मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 फर्स्ट टाइम ये ब्लॉक सब डिवीज़न लेवल पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। पीपी सांगको और लद्दाख पुलिस ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है मिनी स्टेडियम सांगको में। तो हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट ऑफिसर मिस्टर आबिद अली के डायरेक्शंस के हिसाब से हमने यहाँ पे 5 ऑफिशियल्स यहाँ पे निकाले हैं, इनको डिपीट किया गया है इस टूर्नामेंट के लिए महज। तो हमारे एम्पायर्स हैं और स्कोरर्स हैं और कमांडेक्टर्स भी हैं, तो उनके डायरेक्शन के हिसाब से हमने इन 5ों ऑफिशियल्स को जहाँ पे डिप्यूट किया गया है। तो हमारे यहाँ पीपी सांगको ने भी हमें यहाँ पे इनविटेशन दिया था कि हमें ये कोऑपरेट करके हम ये चलाएं। तो हमारा भी मकसद रहता है स्पोर्ट्स का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को कोऑपरेट करें इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को, ताकि ड्रग्स से दूर रखें, बच्चों को एक अच्छा फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रखें। ये हमारे डिपार्टमेंट का भी मकसद रहता है। और ये ग्राउंड के सेकंडली मैं आपको बताते चलूँ इस ग्राउंड के बारे में, ये ग्राउंड काफ़ी क्रिकेट के लिए काफ़ी छोटा है, बाउंड्री स्क्वायर लेग और यहाँ पे लॉन्ग ऑन लॉन्ग आप थोड़ा ज़्यादा लंबा है, लेकिन साइड से काफ़ी छोटा है। ये क्रिकेट का ग्राउंड इसको असल में कहा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें इंडोर स्टेडियम वॉलीबॉल जैसे जैसे इंडोर स्टेडियम यहाँ पे बना सकता है, लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल के लिए ये ग्राउंड काफ़ी छोटा है। तो तवक्का रखते हैं हमारे यूटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भी हायर लेवल पर बात करनी चाहिए इस ग्राउंड के बारे में, एक्सटेंड करें, ये काफ़ी एक्सपेंड भी कर सकता है। तो लोगों से बात करके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्राउंड को एक्सपेंड करें, ताकि बच्चों को इससे अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बने। कि इस टूर्नामेंट को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ लद्दाख जो आपके चैनल हैं में और बाकी जो हम मीडिया हजरात है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एज ए काउंसलर हम दोनों की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही साथ जो आज यहाँ पे ये जो क्रिकेट T20 टूर्नामेंट शहीद ज़ुल्फ़िकार अली के नाम से यहाँ पे खोला गया है, मैं खासतन लद्दाख पुलिस और साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब इनायत अली चौधरी साहब और उनके अमले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव जो है सब डिवीज़न लेवल पे हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में लिए गए, हर सब डिवीज़न पे जो है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली का T20 टूर्नामेंट जो है खेला जा रहे हैं, तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिल की अमी गहराइयों से, साथ ही साथ मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। इससे जो है हम चाहते थे, हम तो हर वक्त कहते हैं कोई भी खेल हो सब डिवीज़न लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे खेले जाते हैं तो प्लेयर जो है तो ग्रास रूट लेवल से ही निकल के आते हैं, तो इनको बड़ा पोटेंशियल मिलता है, उनको हौसला हो जाते हैं कि हमारे बच्चों को भी जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं कहीं इतना दूर डिस्ट्रिक्ट करगिल जाके टूर्नामेंट खेले, इससे हमारे यूथ पर जो है बड़ा असर पड़ता है। और आज इस टूर्नामेंट से जो है हमारे यूथ में जो है एक हौसला बढ़ गया है, जो कि हमारे सांगको सब डिवीज़न पे आज के डेट में हालांकि खेला जा रहे हैं। बहसत काउंसलर और इससे पहले जबकि आप कई बार एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी रह चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने स्टेडियम सांगको में एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के लिए आपकी तरफ से क्या कोशिशें होंगे? बिल्कुल आगा साहब, ये जो है ऑलरेडी ये मैं बहुत बार जो है मैं इस ग्राउंड पे, चाहे आर्चरी टूर्नामेंट हो चाहे भी कोई टूर्नामेंट हो, चाहे मैं एग्जीक्यूटिव के टाइम पे रहा हूँ चाहे काउंसलर के टाइम पे रहा हूँ, ये बहुत मेरे ख्याल में तो ये 10-12 साल पहले से इस ग्राउंड का ऐसे ही हालात देखने जा रहे हैं, ये मैं खुद आपको बता रहा हूँ मीडिया के हजरात से, लेकिन इसमें जो है हमारे भी बहुत कमी हुआ है,
क्योंकि मैं जो बात जो है मैं सामने बोलने वाला बंदा हूँ, क्योंकि साथ ही साथ जो है डिपार्टमेंट के साथ ये बहुत बार हमने टेकअप किया है, कुछ हमारे मतलब पब्लिक के भी कमजोरियाँ साथ ही साथ हमें आ जाते हैं, तो इसको मद्देनज़र जो है आज के डेट में जम्मू कश्मीर के टाइम से लेकर आज तक इस ग्राउंड का हालात जो है एज इट इज़ है। मैं अपने तो दूसरी तरफ जो पिछले साल मैंने यहाँ पर विजिट किया था, कुछ यहाँ पे के इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जो यानी ड्रेसिंग हॉल बोल रहे हैं या ड्रेसिंग रूम बोल रहे हैं ये बनने जा रहे हैं, इसको तो कंप्लीट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर अभी जो बता रहे थे डिपार्टमेंट की तरफ से दो बार हमने ये जो है काउंसिल लेवल पे इवन हमारे काउंसलर साहब के साथ है, हम सारे जो है जब हमारा जनरल काउंसिल मीटिंग होते हैं और हालांकि हमारे जो है सब डिवीजन पे जो है एक ग्राउंड अच्छी तरीके से नहीं बनते तो बड़ा दुख की बात हो जाते हैं। लेकिन ये इसमें ये नहीं बोलते कि हमारी भी कमजोरी नहीं है, इसमें हमारी भी कमजोरी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इसको लेके जो है हम हर वक्त एजिटेशन हर वक्त जो है सी सी साहब के साथ टेकअप करते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में अभी तो यूटी जब आए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है हमें उम्मीद है अच्छा खासा फंडिंग इसमें होने वाला है, हुआ भी है। हमने अभी जो मेरे एग्जीक्यूटिव के टाइम पे जो है मैंने फाइनेंशियल ये रिव्यू लिया था तो उस टाइम तो क्लियरफिकेशन नहीं हुआ था, आज के डेट में जो है इंशाल्लाह हमने सुना है खासकर डिपार्टमेंट जो है हमारे सीसी साहब के डिपार्टमेंट पे है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है हम सारा इस सब डिवीज़न के काउंसलर्स मिलकर अभी हम दोनों बात कर रहे थे इस ग्राउंड के लिए कुछ इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह। चूँकि ये टूर्नामेंट पहली बार पुलिस की जानिब से इस सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पर मुनाकिद किया जा रहा है, तो इस टूर्नामेंट में अब तक कितने टीमों ने हिस्सा लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाशिम साहब, आपके चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख को मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे ये आज का टूर्नामेंट कवर अप करने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इस टूर्नामेंट के बारे में मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाहता हूँ कि ये टूर्नामेंट आप सबको पता है शहीद जुल्फ़िकार अली मरहूम के नाम से खेला जा रहा है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको एक बहुत ही बड़ा लगा पुलिस का मेगा टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो सब डिविजनल लेवल पर हर सब डिविजन से चार टीमें रखे हैं हमने, अभी हमने दो पानीखर साइड से अब हमारे संगू साइड से दो दो टीम है, फाइनल में हमारा चार टीम ही सिलेक्शन हुआ है, तो हमारा चार टीम में से दो दो मैच नॉकआउट का होंगे, नॉकआउट में जो हमारा फाइनलिस्ट होंगे कल हमारा फाइनल किया जाएगा और कल फाइनल में जीतने वाले को करगिल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने के लिए ले जाएंगे। फाइनल कल? जी बिल्कुल। तो कल कोई मेहमान भी यहाँ पे आ रहे हैं सर? जी मेहमान तो हमने यहीं रखे हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव साहिबान है या काउंसलर साहिबान उन्हीं को ही रखा, आज और कल दोनों में ही रखा है, अगर वो अपना टाइम निकाल पाते हैं तो कल हमारा फाइनल होगा। फाइनल जो हमारा विनर टीम होगा उसको प्राइस मनी 10,000 रुपीज़ है और जो हमारा रनर अप टीम है उसको 7,000 रुपीज़ होगा। तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो हमारा पूरे तीनों मैच में जो अच्छा खेलेंगे उसको 3,000 रुपीज़ है और जो नॉकआउट जो टूर्नामेंट में नॉकआउट पर मैच का 3,000 रुपीज़ है और पर मैच जो मैन ऑफ द मैच है वो 1,000 रुपये है। सबसे डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिसर जनाब शंकू एसएचओ साहब, शुक्रिया अदा करता हो इस जुल्फ़िकार का यादगार पर इतना डेवलपमेंट खुलाया है, नाचा गंगमी तरफ ना शुक्रिया अदा करता हो। मेहरबानी यंती बरकल्ला यंती दो बदौल्ला नाची याग्जी हाई स्कूल का कम से कम रिपेयरिंग काफ़ी वजती तरफ से स्कूल शीशाना रंग ना वगैरह शायद यंत जुल्फ़िकारी मी के ताजुक तुक काफ़ी देखा यंत मदद बस नाती संगी पुलिस ना अफसर ना गंगमा गाड़ी तरफ से शुक्रिया अदा करता हो। चिया दरबना यारा दी डिस्ट्रिक्ट वी का नती हिंदुस्तान गुई का खुश जानता से कुर्बान सो लिहाजा दे फरफोज यंत खुई इत बसे याद बसे दी टूर्नामेंट फेस भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं लद्दाख पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मतलब इस तरह का एक टूर्नामेंट खोला है, क्योंकि मतलब पुलिस के नाम पे रखा है, क्योंकि ये जो है ना हर प्लेयर के लिए एक अपना टैलेंट दिखाने का मौका होते हैं और आज मतलब इस साल तो ये हुआ कि ये सब डिवीज़न के अंदर रखा है, इसलिए सबसे थैंकफुल कहता हूँ कि हमें जो ना दूर दराज के इलाके नहीं पूछते डिस्ट्रिक्ट कारगिल की मेन ग्राउंड पर, इसलिए हम उनको बहुत शुक्रिया करता हूँ क्योंकि उन्हें डिस्ट्रिक्ट मतलब ब्लॉक लेवल पर उनको यहाँ रखा है और इनसे ये होता है यार एक यूथ जो है ना, क्योंकि अगर खेलने में कामयाब मसरूफ रहेगा तो बाकी एडम से बहुत ये होते हैं, इसलिए हम बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ब्लॉक लेवल पे ये खेल रखा है। आपने इस फर्स्ट इनिंग में तकरीबन 200 से ज़्यादा रन आपने बनाए हैं, तो क्या ये आपके लिए सेफ लगता है? हाँ माशाल्लाह हमें लगता है कि ये सेफ स्कोर है क्योंकि हमने भी बहुत सारे खेल खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है, इससे आगे हमने 180 160 140 उनको भी सेव रहा है, इस हिसाब से 205 रन मतलब टोटली सेफ स्कोर है हमारे लिए।
तो क्या तवक्कात हैं आपके? हम चाहते हैं कि जो यहाँ के प्लेयर्स की स्किल्स होती है, जो यहाँ के प्लेयर्स की जो एम्बिशंस होते हैं, उनको ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इग्नोर ना करे, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको शौक़ होती है इस तरह के खेल खेलने का, वो ये खेल सकें, आने वाले टाइम में उनको अपने स्किल्स नर्चर करने का उन्हें मौका मिले, ताकि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उससे ना कि उनके स्किल्स ही डेवलप होती है, बाकी उनके जो इलाके होते हैं उनके भी नाम रोशन होते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे परफॉर्मेंस दें, और आज की यूटी के दौर में शायद उन्हें बड़े लेवल पे खेलने का मौका मिल सके। जी का जी ग्राउंड पे का बड़े बड़े इवेंट डुल बात नती 15 अगस्त सोस्कून 26 जनवरी सोस्कून जी ग्राउंड पे का बात सुना दे सुना छू अवेलेबल म्यू मत दरे देखो शहीद जुल्फ़िकार अली मीता सिका जी का टूर्नामेंट फेस है सना जी का मिसाल के तौर पर नाती पुलिस अफसर संग कुछ रुकेश बस पिन सुखी जी के छू गोल जरे अभी तक छी टंकार छी जाम अलहब सुख दरे प्राइवेट गाड़िए छू खो सदो छान दे कने इस हालात पुख्तो आया सब डिवीजन संग कोई ग्राउंड पिक छू मरियत पर प्राइवेट गाड़िए रंग छू खो छाना चीज हो जिन मस कम से कम एक दो बार रुकेश बसिन मस जिस बिन समर से बोल एक पम दे दो जी का ताकि ग्राउंड पुला बेनिफिट छो। मकामी कौमी और बैनुल अक्वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।